अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वी टेक्नोलॉजी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 20 प्लस यूट्यूब चैनल आइडियाज विद लो कंपटीशन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से यूट्यूब चैनल आइडियाज हैं जिसपे अगर हम लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो जल्दी रैंक हो जाएगा और जिसपे कॉम्पिटिशन भी क्या होगा कम होगा और जिसपे रेवेन्यू भी जल्दी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है ना वो लो कंपटीशन वाली नीचे सेलेक्ट करनी है, लो कंपटीशन वाले टॉपिक सेलेक्ट करनी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निश क्या होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि निश क्या होती है। मेरी वीडियो में बहुत से ऐसे बिगनर्स देख रहे होंगे जिनको नहीं पता होगा निश क्या होती है। निश होता है आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट या आपका जो है वो कंटेंट जिसपे आप वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो निश पे आप अपनी यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आप अपनी कोशिश करनी है कि अपनी निश सेलेक्ट करनी है। यूट्यूब चैनल बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी निश पता होनी चाहिए। बहुत से लोग जो ना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं तो अपनी रॉन्ग निश सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताई थी कि रॉन्ग निश सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होता है कि हम इस निश पे काम करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है वो निश सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको लगे कि मैं भाई इसके ऊपर जो है ना एक महीने तक या दो महीने तक जो कंटेंट या एक ईयर तक जो ना कंटेंट जो है ना अपलोड कर सकता हूँ। देखिए, यूट्यूब चैनल जो है ना वो एक महीने की या दो महीने की बात नहीं है। अगर आपने इसको चैनल को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आपने वो निश सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको लगता है कि भाई मैं साल के बाद भी और दो साल के बाद भी इस पर कंटेंट जो है ना अपलोड कर, मेरे पास इतना कंटेंट होगा कि मैं इस पर कंटेंट जो है ना साल दो साल तक जो है अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि आप एक निश सेलेक्ट कर लें और आप जो है वो दो महीने या चार महीने बाद आप जो है ना उसे बोर हो जाएं। आप कहेंगे भाई मुझे तो व्यूज ही नहीं आ रहे और मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा और मुझे तो टॉपिक भी नहीं मिल रहे और मैं कंटेंट कहाँ से लूँ। ठीक है, तो जब भी आपने चैनल बनाना है तो आपने कोशिश करनी है एक अपना टॉपिक और अपनी निश जो है ना वो पहले सेलेक्ट करनी है जिसपे आपको लगता है कि मैं इस पर काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मेरी क्या क्या स्किल है, अगर मैं इनको यूज करूँ तो मैं इस टॉपिक पर काम करूंगा तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सबसे पहला जो नीच है, जो टॉपिक है चैनल आइडिया वो है क्रिप्टो करेंसी। आपने कोशिश करनी है कि आपने जब भी जो है ना वो निश सेलेक्ट करनी है तो आपने लो कंपटीशन निश सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट जो है वो क्रिप्टो करेंसी, आप क्रिप्टो करेंसी पे यूट्यूब चैनल बनाए उस पर आपका चैनल जो है ना बड़े जल्दी ग्रो करेगा और इस पर क्या होगा आपको जो सीपीएम जो है ना वो भी ज्यादा मिलेगा और आपको व्यूज कम भी आ रहे फिर भी आपको जो है ना इन रिटर्न रेवेन्यू जो है ना वो ज्यादा मिलेगा क्रिप्टो करेंसी पे, क्योंकि लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सेकंड है इनसाइड माय प्रोडक्ट्स। इनसाइड माय प्रोडक्ट इन अ सेंस कि आप लोगों को बताएं कि लाइक कोई मोबाइल है तो उसको लोगों को बताएं कि मोबाइल के अंदर जो है वो क्या क्या जान है, वो सिस्टम है, और जो कंप्यूटर के बारे में बताएं कि कंप्यूटर और है किसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लैपटॉप के बारे में बताएं लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि भाई मैंने ये कोई प्रोडक्ट लिया, लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक जिस तरह किसी के पास DSLR आ रहा है तो आप लोगों को बताएं कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड गेमिंग न्यूज़। तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूंगी आप गेमिंग पे यूट्यूब चैनल बनाएं, गेमिंग पे बनाएंगे तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो आप गेमिंग न्यूज़ पे बनाएं। गेमिंग न्यूज़ में ये है लाइक जिस तरह कोई टूर्नामेंट है आप लोगों को बताएं ये फ्लान डेट को टूर्नामेंट है, ठीक है, ये टूर्नामेंट जो है वो कैंसिल हो गया, तो इस तरह के लोगों को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने के बारे में कि गेमिंग्स के बारे में कि मैचेस कब हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ ट्रेंडिंग टॉपिक एक्सप्लेनेशन। जितने भी मैंने आपको इसमें आइडियाज बताऊंगा उसमें सबसे बेस्ट मुझे लगता है ना वो ट्रेंडिंग टॉपिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आजकल जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होता है ना उसके बारे में जानने में। आपको पता है आजकल जिस तरह पॉलिटिक जो है सिचुएशन चल रही है तो आप हर बंदे को होता है कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो आप डिस्कस कर लें, लाइक जैसे आप पॉलिटिकल हो गए हैं या कोई भी इशू जो है वो चल रहा हो आपके सराउंडिंग में तो आप उसको डिस्कस करें अपने यूट्यूब चैनल पे तो लोग उस पर आपको व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इवन कि आप यूट्यूब के स्टूडियो में जाएं, इवन कि आप VidIQ में जाएं तो आपको वहाँ पर जानना होना कि मैं कौन से टॉपिक सेलेक्ट करूँ जिस पे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो VidIQ पे जब आप जाके देखेंगे ना कि जिस टॉपिक के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं वहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग पे जब ट्रेंडिंग पे भी वो बताएगा कि ट्रेंडिंग पे अगर आप चैनल बनाते हैं उस पे वो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ठीक है, फिफ्थ है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग जो है आजकल आपको पता है कि फ्रीलांसिंग हर बंदा सीख रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 56% तो जो है लोग ऐसे होंगे जिनका यूट्यूब चैनल होगा तो हर बंदे को ही होता है कि भैया हमने वीडियो बनाई है तो हम इसको एडिट किस तरह से करें। तो आप अपने चैनल में लोगों को एडिट करना सिखाएं, कलर देना सिखाएं, इफेक्ट देना सिखाएं। ठीक है, तो इससे भी आपका चैनल जो है ना वो क्या करेगा ग्रो करेगा, इस पर आपको व्यूज भी क्या होंगे ज़्यादा आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्या करें
अपने डेली प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ दें, डेली प्रोडक्ट के रिव्यूज़ इन अ सेंस के कोई लाइक जिस तरह कोई साबुन है आप उसके रिव्यूज़ बताएं कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है, लाइक जिस तरह कोई शैम्पू है आप उसके जो है बताएं कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है, लाइक जिस तरह कोई वो है सर में लगाने वाला तेल है, ठीक है। तो आप इस तरह के ना लोगों को ना डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स है ना उनका रिव्यूज़ दें। लोग जो होते हैं ना वो जब कोई अपने डेली यूज की चीज़ यूज़ करते हैं ना तो उसके लाजमी रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो आप अगर इस पर चैनल बनाएंगे ना तो इस पर भी आपका चैनल जो है ना वो लाजमी हिट होगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू पे अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो इस पर क्या होगा, इस पर आपको जो है ना व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। आप कहेंगे कि जो बहुत से पॉपुलर लोग हैं वो जो है वो इस चीज़ में नहीं इंटरेस्टेड होता है कि वो इंटरव्यू दें, आप पॉपुलर लोगों का इंटरव्यू ना लें। बहुत से लोग इस तरह के हैं दुनिया में जो उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हुई है, ठीक है, उन्होंने अचीवमेंट की हुई है लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते। आप उनका जाकर इंटरव्यू लें, ठीक है, तो जैसे जैसे क्या होगा वो आपको इंटरव्यू दे भी देंगे, इससे क्या होगा वो खुद भी उसकी उनकी पॉपुलरिटी भी होगी। लेकिन जब आपका चैनल एक दफा ग्रो कर जाएगा आपके चैनल पे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, जो पॉपुलर लोग हैं ना वो भी आपको इंटरव्यू देने के लिए जो है ना वो कॉल करेंगे कि भाई हमारा इंटरव्यू लें आप, ठीक है, इससे भी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जब आप इंटरव्यू लें तो आप एक प्रॉपर तैयारी के साथ जाएं और जो इंटरव्यू आपका सुन रहा है उसको भी पता चले कि भाई एक स्किल प्रोफेशनल बंदा जो है वो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 8 ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग जो है ये ऐसी निच है जिसपे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये चैनल आपका कभी भी खराब नहीं होगा, इस पर आपका लाइफ टाइम जो है ना व्यूज आते रहते हैं। आपको ये पता है कि फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में 4th नंबर पे है, ठीक है। आजकल हर बंदा जो है ना फ्रीलांसिंग सीख रहा है, ठीक है, तो हर बंदे ने यूट्यूब के ट्यूटोरियल, ज्यादातर जो है ना वो लोग जो है ना वो क्या करते हैं कोर्सेज नहीं लेते हैं, लोग यूट्यूब के ट्यूटोरियल से ही बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल से ही लोग सीख के ना लोग जो है ना अपना फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप अपने चैनल में लोगों को फ्रीलांसिंग करना सिखाते हैं, इसमें भी क्या होता है व्यूज होते हैं वो लाइफ टाइम होते हैं। और इसमें क्या होता है अगर तो आप यूट्यूब ऑनलाइन अर्निंग में करते हैं, इसमें अफिलिएटिंग से भी आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर अब इस पर आप चैनल बनाएंगे तो इस पर आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट ये है 9th वाला क्यूरोसिटी। हमेशा याद रखिएगा, इवन कि मैं आपको जब मैं आपको थंबनेल क्रिएट करवाया था मैंने आपको तब भी बात बताई थी, जब आप थंबनेल क्रिएट करते हैं तो अपने थंबनेल हमेशा क्यूरोसिटी क्रिएट करें, क्योंकि लोगों को क्यूरोसिटी वाली चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट करती हैं। तो आप क्यूरोसिटी इन सेंस करेंगे अगर इस दुनिया में ऑक्सीजन की जो है वो खत्म हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये दुनिया किस तरह सर्वाइव करें, अगर इस तरह की आप टॉपिक पे बनाएंगे ना तो इस पे भी आपको क्या मिलेंगे, व्यू ज्यादा मिलेंगे। लाइक इस तरह के एक दिन में सूरज ना निकले तो क्या होगा, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो लोग पसंद करते हैं। 10th कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के बारे में लोगों को बताएंगे, कंप्यूटर के क्या फीचर है, हार्ड डिस्क क्या होती है, सॉफ्ट डिस्क क्या होती है, ठीक है, फिर पीसी के बारे में बताएं, फिर जो कंप्यूटर के अंदर जो सारे सिस्टम है उसके बारे में लोगों को बताएं, ठीक है। लोगों कुछ लोग बहुत लोग जो है ना जो कंप्यूटर का नहीं यूज़ करते तो वो क्या करते हैं वो यूट्यूब से ही सीख रहे होते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, उसको किस तरह यूज़ करना है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 11th नंबर पे स्टडी काउंसलिंग। स्टडी काउंसलिंग आप लोगों को करें, यूट्यूब चैनल अगर आप बनाते हैं और आप स्टडी काउंसलिंग करते हैं, स्टडी काउंसलिंग इन सेंस लाइक जिस तरह आप किसी को कहते हैं कि भाई हम आपने जो है वो FSC करनी थी और आपका FSC में जो है प्री मेडिकल आपने किया, परमिशन हुआ MBBS में, तो उसके बाद आप कौन कौन से फील्ड का ड्रॉप कर सकते हैं, लाइक जिस तरह आप इंजीनियरिंग अगर आपने जो है वो किया हुआ है CS वो किया हुआ है FA किया हुआ है, FA के बाद आप क्या क्या डिग्री कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, या किसी डिग्री का आप बताएं कि भाई इसका ये अगर आपका इस जगह पर एडमिशन नहीं हुआ तो आप इस डिग्री को कर लें, इस डिग्री का ये स्कोप है। तो लोगों को आजकल जो है ना स्टडी काउंसलिंग करने वाले चैनल भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो चाहते हैं कि खुद भी इतने और बच्चों के लिए देखते हैं कि हम बच्चों की स्टडी काउंसलिंग किस तरह से करें, ठीक है। 12th है मोबाइल के हाइडन फीचर। मोबाइल के हार्डन फीचर्स जो है ना वो बहुत से लोग जो है ना वो नया मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले गूगल पे जो है ना वो सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि भाई इसके क्या क्या फीचर है। तो मोबाइल पे जो है 20-25 जो है ना हार्डन फीचर होते हैं, तो वही फीचर जो है ना आप अपने यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन करें तो उस पर भी क्या होगा आपको व्यूज ज़्यादा मिलेंगे। 13 ये तो बहुत मजे का जो है ना वो नीचे है, इसमें क्या है कि विलेज कल्चर ब्लॉगिंग। आप विलेज के कल्चर को ना प्रेजेंट करें, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विलेज के व्लॉग को, विलेज के कल्चर को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब लिटरली मैंने खुद जो है ना कि देखा है कि विलेज का जो टॉपिक है या कल्चर को लोग रिप्रेजेंट करते हैं उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अब तो लोगों ने क्या किया हुआ, लोग जो है विलेज की कुकिंग भी करना लोगों को चैनल बनाते हैं और सिखाते हैं कि विलेज में कुकिंग किस तरह करते हैं ना, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर जो है ना विलेज के कल्चर को जो लोग दिखाते हैं ना उस पर आपको व्यूज़ भी ज़्यादा मिलते हैं। ये मेरा खुद पर्सनली जो है वो एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि जिन लोगों ने विलेज पे बनाया हुआ ना उसमें लोगों को व्यू ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट है 14 मशीन वर्किंग। आप जो है कोई भी मशीन ले लें तो आप उसकी वर्किंग करना जो है ना लोगों को बताएंगे ये वर्किंग किस तरह से करती है, ठीक है, उसमें भी आपका चैनल जो है ना वो ग्रो कर देगा। 15 में ये है कि अफोर्डेबल ट्रैवल गाइड। अफोर्डेबल ट्रैवल गाइड इन अ सेंस कि आप जो है ना अपने चैनल में लोगों को बताएं कि भाई
अगर आपने इस जगह पे जाना है, ठीक है, मतलब जिस तरह आपने नारायणगढ़ जाना है या आपने नॉर्दर्न एरिया में जाना है, तो आप जो है ना यहाँ 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 पे स्टे करेंगे तो यहाँ पे अफोर्डेबल जो है ना वो आपको जो है ना वो चार्जेस मिलेंगे या अफोर्डेबल आपको ट्रैवल रहेगा। तो आप लोगों को ट्रैवल के हिसाब से गाइड कर सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि इतने अगर आपके पास मतलब 2,000 या 10,000 है, आप इतने पैसों में इस जगह का ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लोग जो है ना वो बड़ा यूट्यूब पे देखते हैं। 16 फूड व्लॉगिंग रिव्यू, फूड व्लॉगिंग रिव्यू जो है ना, अब लोग जो है ना फूड की व्लॉगिंग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो आप फूड की व्लॉगिंग के रिव्यूज दे देना, इसमें भी आपके बहुत ज्यादा क्या होंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे और आपका चैनल भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। 17 होम डेकोरेशन, आप लोगों को बताएं कि भाई होम डेकोरेशन किस तरह करते हैं, लाइक जिस तरह आपका मतलब कि कोई स्विच है घर का तो आप वो गंदा हो जाता है, तो आप उसको बताएं कि आप इस इसका ये तरीका, आप इस तरीके से अपने घर के जो स्विच होते हैं या बोर्ड होते हैं वो उस तरह से साफ कर सकते हैं। एनी कोई तरीका जो है ना वो आप लोगों को बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने घर को ना डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने घर को जो है ना वो ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ये भी लोगों को जो है ना ज्यादातर फीमेल को इस चीज़ का ज्यादा शौक होता है कि लोग होम डेकोरेशन किस तरह करें। 18 में ये है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट पे भी है ना ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा नीचे इसमें भी लोगों के व्यूज होते हैं ना बहुत ज्यादा आता है रियल एस्टेट, इन द सेंस कि आप जो है लोगों को बताएं कि भाई ये जो है बजरी जो है उसको उसका ये रेट है, ये ईंट जो इतने की मिल रही है, और ये फ्लाम मकान है ये इतने का सेल हो रहा है। तो इस चीज में लोगों को बड़ी क्यूरोसिटी होती है जाने की, जारी बात है घर जो है हर बंदे ने बनाना होता है, ठीक है। तो हर बंदा जो है ना वो यूट्यूब पे देखता है कि फ्लां जगह पे ईंट सस्ती मिल रही है, बजरी सस्ती मिल रही है, मकान सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो ना लोग चेक करते हैं। 19 नंबर पे आता है फिटनेस, फिटनेस ये आप लोगों को बताएं कि आप फिट जो है किस तरह रह सकते हैं, आप लोगों को डाइट की टिप्स दें, आप लोगों को फिट होने की टिप्स बताएं, आप लोगों को फिटनेस एक्सरसाइज बताएं कि आप किन किन एक्सरसाइज का यूज करके जो है ना आप फिट रह सकते हैं। 20 जो है वो पोएम एनिमेशन फॉर किड्स, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा ये हाई टिकट नीचे है, पोएम एनिमेशन फॉर किड्स देखें, किड्स के जितने भी आप कार्टून वाले वीडियोज देख लें उन पे क्या होते हैं मिलियंस में व्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब जो है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है वो पोएम्स देखते हैं एनिमेटेड, उस बार 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 एक दफा दो दफा तीन दफा प्ले करते हैं, तो उस पर क्या होता है आपका वॉच टाइम जो होता है ना वो ज्यादा होता है, ठीक है। 21 है कि आप जो है वो अमेजोन के प्रोडक्ट रिव्यू दें, आपको पता है कि अमेजोन के जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो कितने ज्यादा सेल होते हैं, तो आप अमेजोन प्रोडक्ट के ना रिव्यू दें अपने चैनल पे, इस पे भी आपका चैनल जो है ना वो ग्रो करेगा। 22 जो है वो सेलेब्रिटी गॉसिप, सेलेब्रिटी गॉसिप इन अ सेंस कि आप जो है बताएं सेलेब्रिटी के बारे में कि फलाने ने फलाने से जो है इस एक्टर ने उस एक्टर से बात नहीं की, उस एक्टर की जो है वो उसे ब्रेकअप हो गया, तो इस चीज़ में भी लोगों को ना बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है जानने के बारे में, सेलेब्रिटीज़ के बारे में जानने में लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, ठीक है। तो ये थे 20+ आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए हैं, ये निशेज बताई जिसपे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जिसपे कंपटीशन जो है ना वो लो है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।